ये इतना बड़ा घर, इतना बड़ा व्यापार, ऐशो आराम, इतनी सारी गाड़ियां, सब कुछ, जब घर लौटने के बाद साथ में बैठकर कोई बात करने वाला ना हो तो क्या फायदा है इन सारी चीजों का? इस तरह अपने परिवार को बिखरने मत दो मूर्ति जी। एक बार मूर्ति जी, एक बार अपनी बच्चियों के लिए जी कर देखिए, उनकी खुशियों के लिए जी कर देखिए, जैसे चीनू कर रही है अपनी छोटी बहन मीनू के लिए अपने प्यार का बलिदान। जो प्यार, जो एहसास आपकी बच्चियों को बचपन से नहीं मिला, वो एहसास उनको अब देकर देखिए ना। एक पिता के साथ होने का एहसास हमेशा। ये दो बच्चे जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं आज भी, रोहन और चीन, अब उनको साथ लाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, हम में से किसी का नहीं। लेकिन यही एक मौका है हम मूर्ति जी, बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगी। जय माता जी। क्या है ये तो? कहाँ थे तुम दोनों अभी तक? कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं, कोई सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है कि नहीं तुम दोनों में? सॉरी अप्पा। क्या सॉरी? मीनू और मेरे कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था, इसीलिए लेट हो गया। ओके ओके, आइंदा से बता के जाना, हमारा बीपी बढ़ गया था। ओके अप्पा। क्या हुआ, आप क्या सोच रहे? लगता है हम हमारे डॉटर्स को खो दिया वासु। आपको ऐसा क्यों लग रहा? वो लोग नाराज जरूर हैं आपसे, पर आप बात करेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। मान जाएंगे? हाँ, आप सोचिए मत। चलिए जाइए जाइए, मैं बात कर। क्या हुआ? आज तक हम तुमको कितना कुछ गलत बोला, फिर भी आज भी तुम हमारे साथ ही खड़ा है। I know कि ओनली सॉरी बोल देने से वो सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा जो भी टॉर्चर किया हम आज तक तुमको। फिर भी रियली हम दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं तुमको। नहीं, नहीं। देखो ना, लोग कहते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को रास्ता दिखाता है, पर कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को रास्ता दिखा देते। कितना गलत रास्ते पे था मैं, आज समझ में आया कि अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो शायद सब कुछ खो देगा। आप ऐसा मत सोचिए, आप जाकर चीनू से बात कीजिए, आप जाइए ना। देखो बेटा, अपना जीवन साथी बहुत सोच समझ कर ढूंढना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जो तुमसे ट्रू लव करे, ना कि किसी को दिखाने के लिए या कोई कंपटीशन के लिए करे। वैसा तुम्हारे अंदर ये कंपटीशन का भावना आना, आई नो ये हमारा परवरिश का एक कमी है। एज अ फादर तुम्हारा ध्यान दे पाया जितना एक फादर को देना चाहिए। क्या करे बेटा, हम बहुत डर गया था, हमको लगता था कि तुम भी चीनू का जैसा हमको छोड़ के चला जाएगा। सॉरी बेटा, योर अप्पा इज सॉरी फॉर एवरीथिंग। चीनू, अगर आज तुम ये बात नहीं समझ पाया ना तो 3 दिन लाइफ खराब हो जाएगा, न चीनू खुश रह पाएगा और न रोहन,
और अगर रोहन इस शादी से खुश नहीं होगा तो तुम कैसे खुश रहेगा, जरा सोचो। और बेटा, एक फादर के मिस्टेक्स का पनिशमेंट उसके डॉटर्स को नहीं मिलना चाहिए। हम तुम्हें तीनों किसी को खो नहीं सकते, नहीं पाएगा बेटा, हम तुम दोनों के बिना जी नहीं पाएगा। अब्बा, ये चीनू के लिए? अरे ये तो चीनू थोड़ी पहनेगी, ये तो पुराने जमाने की चीजें हैं। पुराने जमाने के हैं आप, ये पाने तर नहीं। क्या? हाँ, मुझे पता है चीनू को बहुत पसंद आएगा ये, मैं जानती हूँ मेरी चीनू की पसंद। अरे बैठे क्यों हो? क्यों, क्या करूं? जल्दी से वो पेन पेपर लाइए, सूची बनानी है, चांदो बांटने की विधि करनी है ना आज। एक मिनट जल्दी से दे। पेपर दे, पेन दे, अब लिखो। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिख लिया। अब लिखो एक श्रीफल, 6 सुपारी, 12 पान, 2 किलो मिठाई। अपने लड़के को देख, कोने में खड़े होके क्या कर रहा है बेटा? तू शर्मा रहा है? हैं? तू शर्मा रहा है? ओ मारो दिक्को, मारो दिक्को। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे लायक कुछ काम है, मैं कुछ काम करूँ? हाँ, इसके लायक कुछ काम? नहीं, तेरे लिए कुछ काम नहीं है। तू जा, आराम से तैयार हो, सब मैं और पापा संभाल लेंगे। और सुन, तेरा चेहरा और चमकेगा, वो दही और हल्दी का लेप लगा लेना। हाँ, लेकिन भाभी थोड़ा टाइम है ना, मैं आराम कर ले चुपचाप। देख, शादी लगन का टाइम होता ना जब हम मर्दों को और कुछ नहीं, सिर्फ दूसरों से ऑर्डर लेना होता है। खड़े हो, है ना? कोई ना नुकुर नहीं। जा जा जा, जा जल्दी जा रोहन, बस वो जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ, आ जाओ। हेलो, मॉम वो मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है, 10-15 मिनट लगेंगे, आप लोग पहुंचिए, मैं आती हूँ। अप्पा प्लीज, वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। ओके जी, जल्दी आना। ओके, चलो बस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।